हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर थर्ड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स क्लास 8 साइंस। तो इसका जो है मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था और वो कितने टाइप्स के होते हैं ये भी मैंने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया था। और इसके बाद जो है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, ये सारा कुछ मैंने अपने पार्ट वन वाले वीडियो में जो है आपके साथ डिस्कस किया था। तो अभी ये जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम जो है प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा कि चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग प्लास्टिक के बारे में इसमें देखेंगे। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक्स आर्टिकल यूज्ड एवरीडे। अब प्लास्टिक का तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, हमारी जो डेली रूटीन में है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो है प्लास्टिक का यूज़ कितना बहुत ज़्यादा करते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। अगर आप उसका यूज़ जैसा आपके है प्लास्टिक का जिस तरह से यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इसके बाद अब आगे देखते हैं, प्लास्टिक्स इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, उसी तरह से जो हमारा प्लास्टिक है वो भी एक तरह का क्या है, पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब जितने भी प्लास्टिक होते हैं उनमें जो है एक ही तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है, उनके यूनिट्स में मतलब वो सेम तरह से वो जो है जुड़े नहीं होते हैं। इन सम इट इज़ लीनियर, और कोई कोई जो होते हैं प्लास्टिक वो लीनियर मतलब एक लाइन में जुड़े होते हैं। वेयर इज एन अदर इन द क्रॉस लिंक्ड, और कुछ जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्रॉस वाले जो है फॉर्म में जुड़े होते हैं, जैसा कि फिगर 3.6 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जो प्लास्टिक होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है जैसे कि ए वाले में बताया गया लीनियर मतलब एक सीधी लाइन में होता है, और कुछ जो है क्रॉस लिंक्ड होते हैं मतलब एक दूसरे से इस तरह क्रॉस बनाते हुए जो है जुड़े होते हैं। तो ये जो है प्लास्टिक के यूनिट्स का अलग अलग स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो उनकी जो है कितने वो जो है स्ट्रॉन्ग है वो डिपेंड करता है। प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल द पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल द पॉसिबल शेप्स। अब ये जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं वो सभी शेप में साइज में मिलते हैं, जैसा कि फिगर 3.7 में आपको यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। तो अब आप यहाँ पे 3.7 में ऐसे और भी बहुत सारे जो हैं आर्टिकल्स आप जो डेली रूटीन में यूज़ करते होंगे, जैसे कि ये बकेट है, चेयर है, तो इस तरह से ग्लास है, यहाँ पे ये कोई टॉय है, तो और भी बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स हो सकते हैं जिसका कि आप लोग जो है अपने डेली रूटीन में उसका यूज़ करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल। अब प्लास्टिक से इस तरह के आर्टिकल्स को बनाना किस तरह से संभव है वो यहाँ पे कह रहा है। द फैक्ट इज़ दैट द प्लास्टिक इज ईजली मोल्डेबल, मतलब इसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं और इसके जो है कोई भी आर्टिकल्स बना सकते हैं। दैट इज़ कैन बी सेव्ड इन एनी फॉर्म, और इसको मोल्ड करके इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, इसका जो है हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, और कलर्ड इसको कलर भी कर सकते हैं, और इसको मेल्ट भी कर सकते हैं। रोल्ड इन टू सीट्स, इनको रोल करके इनकी सीट्स बना सकते हैं, इसके वायर बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट्स फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूज़, इसलिए जो है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा प्लास्टिक के बारे में कि वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अब आता है पॉलीथीन। पॉलीथीन का क्या मतलब है, पॉली प्लस एथिलीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, ये एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग, ये जो है ज़्यादातर किसके बनाने में काम आता है, पॉलीथीन बैग बनाने में काम आता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, अब कोई भी कह रहा है प्लास्टिक को बेंड करने की कोशिश करिए। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजली, क्या जितने भी प्लास्टिक के आर्टिकल हैं उनको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड इजली, तो आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक के तो आर्टिकल्स जो हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ हैं उनको अगर हम बेंड करते हैं और फोर्स लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। When we added hot water to the plastic bottle, अब अगर आपने देखा होगा कि जो प्लास्टिक की बॉटल होती हैं अगर उनमें हम हॉट मतलब एकदम गर्म पानी डाल दें तो क्या होगा, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, मतलब वो जो है उनका सेप जो है ख़राब हो जाता है, वो ख़राब हो जाती है। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड ईजली, तो ऐसी प्लास्टिक जो कि जल्दी से डिफॉर्म्ड हो जाती हैं हीट करने में,
कैन बी बेंट इजली और बेंट हो जाती हैं आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक, तो उनको क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। तो ये थर्मोप्लास्टिक की जो है डेफिनेशन हो गई, क्या डेफिनेशन हो गई कि सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली एज नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीबीसी, अब ये जो पॉलीथीन और पीबीसी आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द थर्मोप्लास्टिक, तो ये पॉलीथीन और पीबीसी जो हैं थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हो गए। दीज आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, अब इनका यूज़ कहाँ होता है थर्मोप्लास्टिक का, टॉय बनाने में, कॉम्ब, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स जो हम लोग किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सी जगह कंटेनर्स का यूज़ होता है। On the other hand, there are some plastics which we molded once can not be softened by heating. अब इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक के अलावा कह रहा है, On the other hand, there are some plastic, कुछ plastics ऐसी भी होती हैं which when molded once, अगर हम उनको mold करते हैं, can not be softened by heating, तो वो heat करने में soft नहीं होती हैं। These are called thermostatic plastic, तो ऐसी plastic को हम लोग क्या बोलते हैं, thermostatic plastic बोलते हैं। टू एग्जाम्पल्स, अब इसके जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके क्या एग्जाम्पल है, बेकेलाइट, मेलामाइन, मेलामाइन वगैरह के जो हैं किचन के जो हैं बर्तन वगैरह बनते हैं, बेकेलाइट भी उसी, तो बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो बेकेलाइट होता है वो जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, अब चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का जो है पुअर कंडक्टर है इसलिए इसका जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनाने में काम आता है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, घर वगैरह में जो आप देखते हैं जो यूटेंसिल्स होते हैं उसके हैंडल्स भी इसी से बनाए जाते हैं। मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मटेरियल, मेलामाइन का यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इट रेजिस्ट फायर, ये जो है फायर होने से रोकता है, एंड कैंड टॉलरेट हीट, और ये जो है हीट को टॉलरेट कर सकता है बेटर देन अदर प्लास्टिक। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल, इसका जो यूज़ है वो किस में होता है, फ्लोर टाइल्स बनाने में होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स, इसका यूज़ जो है फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड जो फैब्रिक्स बनाने में इसका काम किया जाता है। सोज द वेरियस यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग, अब कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से जो हैं यूज़ होते हैं थर्मोप्लास्टिक के और थर्मोसेटिक के कौन कौन से यूज़ होते हैं वो बताना है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं आर्टिकल्स मेड अप थर्मोसेटिंग। अब ये वाले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किससे बने हुए हैं, थर्मोसेटिंग के बने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये प्लेट है, ये स्विच का बोर्ड है, तो ये सभी क्या हैं, थर्मोसेटिंग के यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। फिर ये जो है नीचे वाला जो क्या है, थर्मोप्लास्टिक का ये कंटेनर इस तरह का जो है, ये सब क्या हैं, हमारे थर्मोसेटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके बाद आप देखते हैं प्लास्टिक्स एज मटीरियल ऑफ चॉइस, अब इसमें क्या है, Today, if we think of storing food items, water, milk, pickled, dry food, etc., plastic container seems most convenient. तो हमको क्या जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं वो उसमें जो है हमको जो है स्टोर करना बहुत आसान लगता है, वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं। This is because of their light weight. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो वेट होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। लो प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, अब इनका प्राइस कैसा होता है, कम होता है, और इनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, और हैंडल करना भी इनको बहुत आसान हो जाता है। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट टू, अब चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए जो है मेटल के कंपेरिजन में जो है ये बहुत हल्के होते हैं। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, अब इनका यूज़ कहाँ पे होता है, कार्स में, एयरक्राफ्ट में एंड स्पेस क्राफ्ट में भी इनका यूज़ होता है। दिस लिस्ट इज़ एंडलेस, ये जो लिस्ट है ये इसमें जो है इसको एंडलेस जो है इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके जो है यूज़ होते हैं। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन, पाइप्स एक्सेट्रा, नाउ लेट अस डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, तो अब इसके यूजेस हमने बहुत सारे देख लिए कि हमारे हम जो हमारी लाइफ में जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, अब प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, जब हम आयरन को जो है हवा में खुला छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो हवा में खुला रहने से क्या हो जाता है, वो नमी उसको मिलती है और क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाती है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर, लेकिन जो प्लास्टिक होती है वो जो है क्या होती है, रिएक्ट नहीं करती है
वाटर और एयर के साथ। दे आर नॉट कोरोड ईजली, ये जो हैं जल्दी से कोरोड भी नहीं होती हैं, मतलब जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। दिस इज़ वाई दे आर यूज टू सम वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल। अब ये चूँकि जो है किसी तरह का इसमें रिएक्शन नहीं होता है, इसमें कोरोड नहीं होता है, तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ों को जो है स्टोर करने के काम आती हैं, जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स वगैरह भी जो हैं इन्हीं में जो हैं स्टोर होते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब प्लास्टिक कैसी होती है, बहुत लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट दैट आर यूज इन द पास्ट। अब कह रहा है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से पूछना है अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट, मतलब किस तरह की जो है बकेट जो है पहले के समय में यूज़ होती थी। वट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टूडे, और आजकल जो है किस तरह की बकेट और मग आप लोग यूज़ कर रहे हैं। वट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए प्लास्टिक कंटेनर, अब प्लास्टिक के कंटेनर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल उनका जो है क्या एडवांटेज है। और इसमें अब हम देखेंगे कि पहले समय में जो बताया गया है कि बकेट्स वगैरह किस तरह के यूज़ होते थे, तो आजकल के जो बकेट्स वगैरह हैं वो क्या हैं, प्लास्टिक्स वगैरह के बनते हैं। पहले जो हैं स्टील के बकेट होते थे या आयरन के होते थे, जिनका कि जो वेट था वो बहुत ज़्यादा होता था। तो अब आजकल के जो बकेट्स और मग बन रहे हैं वो सब प्लास्टिक के हैं, जिनको कि यूज़ करना बहुत आसान है, बहुत ईजिली जो है हैंडल हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, अब प्लास्टिक जो होते हैं बहुत लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। इनका जो यूज़ है हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स, अब प्लास्टिक जो है जो पहले समय में जो बकेट्स वगैरह मेटल्स की आती थी वो बहुत कॉस्टली होती थी, और उनके कंपैरिजन में जो प्लास्टिक्स वगैरह के जो आजकल कंटेनर हैं, बकेट हैं, मग हैं, वो सब क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, अब इनका यूज़ जो है इंडस्ट्री वगैरह में भी होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में भी होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, तो आपको कह रहा है कि आप अपनी डेली लाइफ में जो प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनका जो है एक लिस्ट बनानी है। तो अगर आप अपनी लिस्ट बनाएंगे तो ये लिस्ट जो है बहुत लंबी तैयार हो जाएगी, कि आप देखेंगे कि हर जगह जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आपको पता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग, और इसी कारण जो इलेक्ट्रिक के वायर होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, और जो स्क्रू ड्राइवर के जो हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं। एज मेंशनड अबव हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जो फ्राइंग पैन वगैरह जो हमारे होते हैं उनके भी जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, जिससे कि उसमें पकड़ने में हमको जो है गर्म नहीं लगता है। अब यहाँ पे कह रहा है डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री वगैरह में भी जो है प्लास्टिक का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, अब हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल वगैरह में जो इनका यूज़ कहाँ पे होता है कि जो टैबलेट्स वगैरह जो पैक होते हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज़ आर द पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वूंड्स, मतलब कि टैबलेट्स वगैरह को पैक करने में, और थ्रेड का यूज़ होता है, प्लास्टिक की थ्रेड का यूज़ होता है स्टिचिंग वगैरह में। सिरिंज जो हैं डॉक्टर्स लोग जो हैं वो भी इसी की यूज़ करते हैं। ग्लव्स एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो भी जो हैं प्लास्टिक्स के बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव, अब बहुत सारे जो अच्छे जो टाइप्स के जो कुकवेयर होते हैं प्लास्टिक के उनका हम माइक्रोवेव में भी यूज़ करते हैं, ओवन में फूड को कुक करने के लिए। इन माइक्रोवेव ओवन द हीट कुक्स द फूड, माइक्रोवेव में ओवन में क्या होता है कि हीट से फूड कुक हो जाता है, बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स, लेकिन प्लास्टिक वेसल्स को जो है कोई भी हार्म नहीं पहुंचता है। अब आता है टेफ्लॉन,
टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक. अब टेफ्लॉन क्या होती है, एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक होता है ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. और इस टेफ्लॉन में ऑयल और वाटर जो है वो चिपकता नहीं है. इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. और जो कुकवेयर मतलब जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं उसमें जो है इसका जो है कोटिंग के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है. और उनको बोलते हैं कि अरे इन इन वाले जो यूटेंसिल्स हैं इसमें टेफ्लॉन कोटिंग है, मतलब उसमें ऑयल और वाटर वगैरह कुछ भी चिपकता नहीं है. फायर प्रूफ प्लास्टिक. अब कुछ प्लास्टिक जो होते हैं फायर प्रूफ भी होते हैं. ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजली, जैसा कि अभी हमने सिंथेटिक फायर के बारे में पढ़ा कि वो फायर को जल्दी से कैच कर लेते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन. तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो फायरमैन होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो किसकी बनी होती है, हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन, उसमें जो है मेलामाइन की कोटिंग होती है, मेलामाइन प्लास्टिक की, टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंस, जिससे कि उसमें आग वगैरह नहीं लगती है. प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट. अब प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. व्हेन वी गो टू द मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन द प्लास्टिक. तो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक में रैप्ड होती हैं या फिर उसमें पैक होती हैं इन पॉलीथीन बैग्स में. दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक्स वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेट इन अवर होम. और वो सारी चीज़ें जब हम लाते हैं, हर चीज़ें जो हैं प्लास्टिक की थैलियों में होती हैं, इसीलिए हमारे घरों में जो है प्लास्टिक जो है एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता जाता है. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम. और जो इस तरह से जो प्लास्टिक है वो गार्बेज में जो है इकट्ठा होता जाता है और इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है. ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया, इट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. एक ऐसा मटीरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, जो कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज होता है, सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल. और ए मटीरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज, और ऐसा मटीरियल जो कि जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो दो हो गया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो अब ये जो है हमने देख लिया. अब इसका जो है हम टेबल देखेंगे. टेबल 3.3 में यहाँ पे क्या दिखाया गया है, टाइप ऑफ वेस्ट पहले कॉलम में है, दूसरे में है अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डी जेनरेट, फिर है नेचर ऑफ मटीरियल. तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है वेस्ट दिए गए हैं और उनको कितना टाइम लग रहा है डिजेनरेट होने में. अब वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये आप अपना टेबल अपने आप देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लास्टिक्स जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. अब आगे देखते हैं, सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज. अब प्लास्टिक्स को जो है बहुत सारा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, जैसा कि यहाँ पे टेबल में दिया गया है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक्स बैग हैं इनको बहुत ज़्यादा ईयर लग रहा है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. ठीक है, तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि सिंस प्लास्टिक्स टेक सेवरल ईयर, अब प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत सारे साल लगते हैं. इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. इट कॉजेज़ इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये हमारे इन्वायरमेंट में जो है पोल्यूशन जो है फैलाती है. बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज़ नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न. अब इनका जो है, इसके अलावा इनका जो बर्निंग प्रोसेस है वो भी कैसा होता है, बहुत धीमा होता है और ये कम्प्लीटली मतलब आसानी से बर्न नहीं होते हैं. दिस प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, और इस प्रोसेस में इसको बर्न करने में बहुत सारी जो है पॉइजनस फ्यूम्स भी निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिससे कि एयर का पोल्यूशन फैलता है. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. तो अब यहाँ पे एक ब्लॉक और दिया गया है. हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप, क्या कभी आपने गार्बेज का डंप देखा है, जहाँ पे बहुत सारा गार्बेज पड़ा रहता है. वेयर एनिमल स्पेशली काऊ आर ईटिंग गार्बेज, जहाँ पे जो है काऊ जो है गार्बेज में कुछ खाती हुई दिखती हैं. इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फूड वेस्ट दे सॉलो मटीरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, और जब वो उसमें से गार्बेज में से फूड वगैरह खाती हैं तो उसके साथ में वो क्या करती हैं, पॉलीथीन बैग्स को भी खा लेती हैं जिसमें कि फूड रैप होता है. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, तो आप क्या इससे इमेजिन कर सकते हैं कि इससे क्या होता है, उनको क्या नुकसान होता है. द प्लास्टिक मटेरियल चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब जब वो जो एनिमल्स हैं वो काऊ वगैरह प्लास्टिक
को खा लेती हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो चोक हो जाता है एनिमल का टू फॉर्म ए लाइनिंग इन देयर स्टमक एंड कैन बी कॉजेज ऑफ देयर डेथ, और जो है ये इनके स्टोमक में पहुंच के इनका जो है डेथ का कारण भी बन जाता है। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। अब जब इधर उधर हम प्लास्टिक बैग्स को फेंक देते हैं तो वो जाके जो है हमारे ड्रेन्स वगैरह में फंस जाते हैं और वो भी जो है बंद हो जाते हैं। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो रैपर्स ऑफ चिप्स, और कभी कभी जो है हम लोग बहुत जो है रैपर्स वगैरह चिप्स के बिस्किट के जो है खा के इधर उधर फेंक देते हैं रोड्स में और पार्क में या फिर पिकनिक प्लेस में। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, और इसको फेंकने से पहले हम सोचते नहीं हैं कि क्या होगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो एक जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के कारण जो आप जो हैं व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट, तो आप क्या मेजर हैं वो क्या सजेस्ट करेंगे पब्लिक प्लेस को क्लीन रखने के लिए जिससे कि वो प्लास्टिक वहाँ पे ना रहे, फ्री ऑफ प्लास्टिक हो जाए। आप आगे देखेंगे अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन एंड जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। अब प्लास्टिक के यूज़ को कम करने के लिए मेक यूज़ ऑफ बैग्स, आपको जो है अपने साथ कॉटन और जूट के बैग रखने चाहिए जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हों। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। अब जो आप गार्बेज में जो भी फेंक रहे हैं उसमें जो है दोनों को ऐसे जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं और ऐसे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको जो है अलग अलग जो है डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, और ऐसी प्रैक्टिस आपको अपने घरों में भी करनी चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल। क्या आप कोई और भी रास्ता बता सकते हैं जो कि प्लास्टिक मटीरियल को रिड्यूस करने में काम आ सके। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक, ये जो है बेटर होगा कि प्लास्टिक का जो है हम लोग उसको रिसाइकिल कर लें, मतलब दोबारा से यूज़ कर लें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, जो बहुत सारे जो थर्मोप्लास्टिक हैं वो रिसाइकिल्ड हो जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल्ड, और ऐसे आइटम की हमें लिस्ट बनानी है जो कि रिसाइकिल हो जाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकिल सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। अब रिसाइकिलिंग के समय क्या होता है, बहुत सारे कलरिंग एजेंट जो हैं उनका यूज़ होता है। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और इससे कलर वगैरह से जो है दिस लिमिट्स इट्स यूजेज, इसका जो यूज़ है वो लिमिट हो जाता है, मतलब इसका जो है हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मतलब फूड वगैरह स्टोर करने में इनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो कलरिंग होती है वो हमें हार्म पहुँचा सकती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के कारण हमको जो है क्या करना चाहिए, रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल एंड रिकवर। अब यहाँ पे जो है बता रहा है कि हमको इन चारों चीज़ों का याद रखना चाहिए कि रिड्यूस मतलब हम इसका किस तरह से रिड्यूस करें, उसका रीयूज कैसे करें, रिसाइकिल कैसे करें और रिकवर कैसे करें, इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली, और ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट को फ़ायदा हो। फिर यहाँ पे है फाइबर वाइज, डोंट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। प्लास्टिक्स की जो होते हैं उनको बैग्स वगैरह को वाटर बॉडीज मतलब हमारी नदियों में तालाबों में या फिर रोड्स वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग्स और ए जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, शॉपिंग जाते समय अपने साथ कॉटन बैग या जूट के बैग रखने चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटीरियल, अब प्लास्टिक के जो भी मटीरियल हैं उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए। यूज़ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस, तो आप जो प्लास्टिक के लंच बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी जगह स्टील का यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से इन सभी बातों का ध्यान रख के हम प्लास्टिक के यूज़ को कम भी कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को जो है बचा भी सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी हमने प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपके साथ पूरी जो है सभी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर ली हैं, आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।